जिस प्रकार चित्रकूट का नाम कालांतर से चित्तौड़ हो गया, उसी प्रकार राष्ट्रकूट शब्द राठौड़ हो गया। मारवाड़ के इन राठौड़ वीरों ने सैकड़ों वर्षों तक मलेच्छ शक्ति से लगातार संघर्ष करते हुए भारत की सुरक्षा में अमूल्य योगदान दिया था। महाराष्ट्र और संपूर्ण दक्षिण भारत पर राठौड़ों का शासन था। बाद में यहाँ से चलकर राठौड़ कन्नौज पहुँचे और वहाँ शासन करते रहे, और इस प्रकार कन्नौज के राठौड़ राजाओं के वंशज राव सिंहाजी लगभग 1250 ईस्वी में मारवाड़ आए थे। नैनसी की ख्यात के अनुसार राव सिंहाजी कन्नौज से तीर्थ यात्रा पर द्वारका जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने पुष्कर तीर्थ के दर्शन भी किए। वहीं पुष्कर में भीनमाल के ब्राह्मण ठहरे हुए थे। उन ब्राह्मणों ने राव सिंहा और उनके राठौड़ वीर योद्धाओं को देखा और उनसे प्रभावित होकर कहा कि भीनमाल पर मुल्तान के मुसलमानों द्वारा अत्याचार होते हैं, जिनसे उनको मुक्ति दिलाई जाए। बस इतनी सी बात सुन राव सिंहाजी ने तुरंत ही भीनमाल पर चढ़ाई कर दी और वहाँ के मुस्लिम शत्रुओं को मार भगाया और भीनमाल को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इसके बाद राव सिंहाजी ने पाली के ब्राह्मणों की मेर और मीणाओं से स्थायी रक्षा की थी। राव सिंहाजी ने अनेकों बार मुगलों से युद्ध कर हिंदू गौरव को बढ़ाया था। आज भी मारवाड़ और संपूर्ण राजस्थान में इनकी वीरता प्रसिद्ध है। राव दुहड़ ध्रुव भट्ट राठौड़ राव आस्थान के राज्य के उत्तराधिकारी उनके पुत्र राव दुहड़ हुए। राव दुहड़ राठौड़ अलाउद्दीन खिलजी की सिवाना के रावल सातलदेव चौहान पर किए गए आक्रमण के दौरान सातलदेव चौहान की ओर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध में राव दुहड़ ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर भयंकर प्रहार किए थे और अपनी तलवार का जौहर दिखलाया था, जिससे अलाउद्दीन खिलजी को एक बार तो पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा था। परंतु शत्रुओं की संख्या ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की थी और अपने राठौड़ वंश का नाम रोशन किया था। राव दुहड़ राठौड़ का नाम आज भी संपूर्ण राजस्थान में बड़े आदर से लिया जाता है। वीर कांदलजी राठौड़ मारवाड़ के राव दुहड़ के भाई ज्योप्सा राठौड़ थे और ज्योप्सा राठौड़ के पुत्र मुल्लू राठौड़ थे। मुल्लू राठौड़ के पुत्र वीर कांदलजी राठौड़ हुए। कांदलजी राठौड़ ने जालौर के धर्मयुद्ध के दौरान एक के बाद एक 40 तलवारें तोड़ी थी। जब एक तलवार टूट जाती तो दूसरी तलवार लेकर कांदल राठौड़ फिर से युद्ध करने लग जाते। कांदल राठौड़ अपने जालौर के रावल कन्नड़देव चौहान के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और सोमनाथ महादेव की मूर्ति को बैलगाड़ी पर रखकर जालौर की सीमा में आया तो कांदल राठौड़ ने यह प्रण किया था कि वह सोमनाथ महादेव को शत्रुओं से मुक्त नहीं करवा देगा, तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, और कांदल राठौड़ ने ऐसा किया भी। उन्होंने अपने प्रण के अनुसार सोमनाथ महादेव की मूर्ति को मुक्त ही नहीं करवाया, बल्कि रावल कन्नड़देव चौहान की सहायता से वापस मूर्ति को सोमनाथ मंदिर भी भिजवाया था। 1314 ईस्वी के जालौर के जौहर व शाके के युद्ध में कांदल राठौड़ ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति सिया मलिक को मारा और स्वयं ने अलाउद्दीन की सेना का खूब संहार किया था और अंत में युद्ध मैदान में हिंदुत्व व भारत की रक्षार्थ अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। ऐसे वीर योद्धा कांदलजी राठौड़ को शत शत नमन। रावल मल्लीनाथ राठौड़ राव सलखा राठौड़ के बड़े पुत्र रावल मल्लीनाथ राठौड़ थे। रावल मल्लीनाथ ने मुसलमानों से 5 युद्ध जीते थे। इसके अलावा रावल मल्लीनाथ के बारे में कहा गया है, तेरा तुंगा भांजिया माले सलखाणी, अर्थात सलखा राठौड़ के पुत्र रावल मल्लीनाथ ने 13 सेनाओं को हराया था। इसके अलावा नेमजीर खान नाम का एक मुस्लिम योद्धा रावल मल्लीनाथ से डरकर भागा था। कुंवर जगमाल राठौड़ रावल मल्लीनाथ के पुत्र कुंवर जगमाल राठौड़ थे। एक बार गुजरात का एक मुसलमान सेनापति महवा के सिरली तालाब पर तीर जरूरत करती हुई कुमारी कन्याओं का अपहरण कर ले गया। तब कुंवर जगमाल कन्याओं को छुड़ाने अपनी कुछ सेना के साथ गुजरात के लिए निकल पड़े। वहां जगमाल राठौड़ ने सेनापति की पुत्री गिंदोली का अपहरण कर लिया और अपने साथ ले गए। जगमाल राठौड़ के पीछे पीछे मुस्लिम सेनापति और गुजरात की सेना महेवा पर आ गई और आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का जगमाल राठौड़ ने मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसा युद्ध किया कि मुस्लिम सेना को तीतर बीतर कर दिया। इस युद्ध के बारे में एक दोहा प्रचलित है, पग पग नेजा पाड़िया पग पग पाड़ी ढाल, बीबी पूछे खान ने जंग कहता जगमाल, अर्थात युद्ध भूमि पर भाले और ढाले पग पग पर बिखरी पड़ी है और मुस्लिम सेनापति की बीवी
युद्ध देख रही थी और उसको पूरे युद्ध मैदान में हर तरफ केवल जगमाल राठौड़ ही दिखाई दे रहा था। तब खान को उसकी बीबी पूछती है कि दुनिया में आखिर कितने जगमाल हैं। यह युद्ध कुंवर जगमाल राठौड़ ने विजय किया था। राज सिंह राठौड़ आलणियावास। आलणियावास के ठाकुर राज सिंह राठौड़ ने 19 अगस्त 1669 में पुष्कर तीर्थ के मंदिरों की रक्षार्थ औरंगजेब के फौजदार तहवर खान का 3 दिन तक अपने हजारों योद्धाओं के साथ बड़ी वीरता से सामना किया था और युद्ध के अंत में अपने साथियों के साथ सरोवर के ब्रह्मा घाट पर अपना क्षत्रियोचित बलिदान दिया था। विजयमल राठौड़ बाथ पंचायण। विजयमल राठौड़ मारवाड़ के राव चुंडा जी के छोटे कुंवर थे। इन्होंने जालौर के राजा बिसलदेव चौहान को भुजाओ यानी अपनी बाथ में पकड़कर मार डाला था, इसलिए इनको बाथ पंचायण यानी टाइगर हग कहा गया। अडकमाल अरण्य कमल राठौड़। अडकमाल जी मारवाड़ के राव रणमल के छोटे भाई थे। मेवाड़ के राणा मोकल की चाचा और मेरा ने हत्या कर दी थी, इसलिए राव रणमल राठौड़ अपने छोटे भाई अडकमाल और सेना लेकर चाचा और मेरा से बदला लेने चित्तौड़ के पास पई नामक पहाड़ों में जा रहे थे। मार्ग में एक शेरनी से अडकमाल जी का सामना हुआ। तब अडकमाल जी राठौड़ ने अपनी तलवार से एक ही वार में शेरनी को काट डाला था। महाराज केसरी सिंह बीकानेर। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के छोटे भाई थे। महाराज केसरी सिंह ने एक खूंखार बाघ को अपनी तलवार से एक ही वार में मार डाला था। इस कारण औरंगजेब ने खुश होकर इनको उत्तर प्रदेश में 25 गांव दिए थे। महाराज केसरी सिंह ने औरंगजेब की ओर से कई युद्ध किए थे और विजय प्राप्त की थी। महाराज पदम सिंह बीकानेर। महाराज पदम सिंह बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के छोटे भाई थे। इनकी माता का नाम स्वरूप दे हाडी था और वह बूंदी के राव शत्रुसाल हाडा के छोटे भाई वैरीसाल की राजकुमारी थी। पदम सिंह ने एक शेर को भाले से मार डाला और साथ ही इन्होंने औरंगाबाद के कोतवाल मोहम्मद मीर तोजक के सर को अपनी तलवार के एक ही प्रहार में काट डाला था। कोतवाल पर पदम सिंह की तलवार का वार इतना शक्तिशाली था कि कोतवाल का सिर काटते हुए तलवार खंभे में घुस गई। पदम सिंह की तलवार का निशान आज भी उस खंभे में देखा जा सकता है। पदम सिंह की तलवार शुद्ध फौलाद यानी सकेला की बनी थी, जिसका भार 8 पाउंड तथा लंबाई 3 फीट और 11 इंच थी और 2.5 इंच चौड़ी थी। पदम सिंह की ये तलवार जो आज भी बीकानेर किले के संग्रहालय में मौजूद है। मित्रों, ये थे राठौड़ वंश के टॉप 10 योद्धा। मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।